नमस्ते, मैं हूँ चारू और मेरे YouTube चैनल धुन चारू की में आप सबका स्वागत है। आज तक आप लोगों ने मेरा मायका देखा है, आज मैं आपको अपना ससुराल दिखाऊंगी और आप सबको अपने घर बुलाने का दिवाली से अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, घर की रौनक तो आप हो और मेरे जीवन की रौनक आप हो। सो आज इस वीडियो में हम आपको हमारी साथ में पहली दिवाली दिखाने वाले हैं और पहली दिवाली बहुत स्पेशल होती है। पहला कोई भी त्यौहार बहुत स्पेशल होता है, तो हम पहली बार साथ में कोई त्यौहार मनाने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये दिवाली जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज़ आई हैव फाइनली गॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। और ये त्यौहार हम दोनों का फेवरेट त्यौहार है, जिसमें हम दोनों को लाइट्स बहुत पसंद है, हम दोनों को घर को सजाना बहुत पसंद है, इनको तो खाने का भी बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इनके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाई हूँ मैं और हम अभी अपने घर को भी सजाने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और आपको बहुत कुछ दिखाना है कि हम कैसे हमारी दिवाली मनाने वाले हैं। तो चलिए तैयारियाँ करते चलें। सो दिवाली की तैयारियों का सबसे पहला काम होता है कि हमें दिए भिगोने होते हैं, क्योंकि शाम तक दिए तैयार हो जाएं इसलिए। और जितनी देर तक हम दिए भिगो के रखते हैं तो तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और फिर देर तक दिए जलते हैं, देर तक घर में रोशनी रहती है। दिवाली दियों का त्यौहार है, दिए हम जलाते हैं घर के अंधेरे को दूर करने के लिए। सोचिए, अगर हम अपने मन के अंधेरे को दूर कर दें तो ये सही मायने में दिवाली होगी और हमेशा रहेगी। सो अभी मैं जब तैयारियां कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर में बाती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बाइक पर बाती ले आती हूँ, है ना बेबी, चलो बैठो। And she is planning to take me to get Bati on a Harley. Can you imagine my luck? Wow. Sit now. Let's go. Okay. You sure? Why are you scared? You sure? I have my doubts whether she can drive such a heavy bike. No, I can. Let's go. You can? Yeah. No, we are just kidding. This is our neighbor's bike. Come here. It's his bike. It's all thanks to him. Yeah. That we got this special bike. Yeah, and we saw this bike and we were like, let's click some pictures with the bike. And very soon we will go for a nice drive. Yeah. All yours. You should ride. Thank you. रंगोली बनाने वाली हूँ, पर रंगोली के पहले मैं ये अपना मेन डोर थोड़ा सा सजाना चाहती हूँ। ये मैंने लाके आज ही लगाया है और अभी ये थोड़ा माला साइड में लगानी है, पर ये माला आई डोंट थिंक मुझसे लगेगी, लेकिन मुझे स्टूल आने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत टॉल हैं, तो मैं उन्हीं को बुलाती हूँ। बेबी एक सेकेंड आना, ज़रा ये डोर पर माला लगा दो।
आप देख रहे हैं कि मेरे गणपति तो तैयार हो चुके हैं। मैंने एक रंगोली बनाई है, आई होप सबको अच्छी लग रही होगी। कहते हैं दिवाली पर लक्ष्मी जी सबके घर जाती हैं, तो जब वो मेरे घर पर आएंगी तो ये रंगोली देख के इम्प्रेस हो जाएंगी। हमारे लक्ष्मी जी के पैर, अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी पूजा का टाइम हो रहा है और मुझे तैयार भी होना है, और ये मेरी पहली दिवाली है, मुझे बहुत अच्छा दिखना है। तो चलिए जल्दी से तैयार होकर लक्ष्मी पूजा स्टार्ट करते हैं। ये इयररिंग्स मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं, क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार से पहनाए थे। चलिए मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, और जाके राजीव से मिलते हैं। लेट्स गो। हाय बेबी। हाय। वाओ। कैसी लग रही हो? अमेजिंग। हमारी जिंदगी की रोशनी से हम किसी और की जिंदगी थोड़ी सी रोशन कर दें, तो इस दिवाली ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ किसी एक की मदद करते हैं, किसी एक जरूरतमंद की। हेल्प अदर्स। मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बहुत बार आई गई है दिवाली, मगर तम जहां था वहीं पर खड़ा है। दिवाली में एक महीने पहले से हम पूरे घर की सफाई शुरू कर देते हैं, सारे कचरे को बाहर निकालते हैं, नई नई चीजें लेके आते हैं, क्योंकि दिवाली नवीनता का दिन है। तो सोचिए अगर हम अपने मन के सारे कचरे को बाहर फेंककर पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएं, अच्छी चीज़ें सोचें और नए व्यवहार को लेकर आएं, एक अच्छी नई आदत को लेकर आएं जो हमारी लाइफ को और पीसफुल बना दे, तो वो सही मायने में दिवाली होगी। ये दिवाली तो चली भी जाएगी,
पर वो दिवाली जो हमारे मन में होगी वो कभी नहीं जाएगी। तो ये थी हम दोनों की साथ में पहली दिवाली। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं भी आपको? अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोग इसी तरह बहुत सारा प्यार हमें देते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, धुन चालू की। थैंक यू। थैंक यू। Behind the scenes.